एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 25 बच्चों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। एलकेजी से 7वीं तक के बच्चे थे सवार। एटा के अलीगंज रोड पर हुआ हादसा, कोहरे को बताई जा रही एक्सीडेंट की वजह, बस के पास नहीं था स्कूल में चलाने का पंप। देश के बावजूद खुला था स्कूल, 45 की क्षमता वाली बस में 60 से 80 बच्चे सवार थे, परिजनों के परिवार में छाया मातम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर जताया दुख, ट्वीट करके व्यक्त की संवेदना। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमरिंदर में सिद्धू को बताया अपना बेटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू मीडिया के सवालों से बचते दिखे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरिंदर सिंह ने दिए जवाब। अमरिंदर बोले, पंजाब में प्रियंका नहीं करेंगे प्रचार, राहुल गांधी करेंगे चुनावी रैलियां। अमरिंदर सिंह ने कहा, बिना शर्त कांग्रेस शामिल हुए सिद्धू, सीएम और डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई विवाद नहीं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के यूनियन सचिव को विभाग का नोटिस, यूनियन कर्मचारियों ने कैलेंडर पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने का किया था विरोध। सीबीआई के निशाने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, टॉक टू ए के मामले में सरकारी तंत्र के बीजा इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई जांच, सिसोदिया बोले, डर गई है बीजेपी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा, गोवा पंजाब में हार के डर से शुरू किया सीबीआई का खेल, पर वोट मांगने का आरोप, विवादित सीडी भी जब्त। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले संगीत सोम, सीडी में कुछ भी गलत चीज नहीं। जिस सीडी की बात हो रही है उसे आप भी देख लेना, उस सीडी में कुछ भी नहीं है, केवल उतना है कि जो मीडिया ने मेरे लिए खबर चलाई आज तक, उन खबरों का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। जलीकट्टू पर बैन हटाने की मांग ने पकड़ा जोर, दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बैन हटाने की मांग को लेकर मरीना बीच पर लोगों का जुटना जारी, एआईएडीएमके के महासचिव शशिकला ने भी प्रदर्शन का किया समर्थन। चेन्नई की एक कॉर्पोरेट कंपनी भी प्रदर्शन के समर्थन में उतरी, कर्मचारियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दी एक दिन की छुट्टी। प्रदर्शन के चलते आज भी बंद रहेंगे चेन्नई के 31 कॉलेज, बैन हटाने की मुहिम का करेंगे समर्थन। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सिर्फ आशिक ने लड़की पर 12 बार चाकू से किया वार, लड़की की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में नशे में धुत दो रईसदादों की करतूत, ऑटो चालक को पीटा, मीडिया कर्मियों पर भी किया हमला। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जहर देकर महिला की हत्या, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप। कानपुर में सामने आए गैंग वॉर की वारदात, पूर्व बीएसपी नेता पिंटू सिंगर पर जानलेवा हमला, दो हिस्ट्री टीचर्स पर आरोप। यूपी के गोंडा में दबंगों ने दलित परिवार के साथ की मारपीट, दलित बच्चे के अपने खेत में शौच जाने से भड़के थे दबंग। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में पुलिस और नेताओं को धमकी दे रहे हैं आतंकी। बिहार में मोतिहारी के पकड़ी दयाल मार्केट में बदमाशों ने AK-47 राइफल से की फायरिंग, दो लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के डीएसपी दुर्गा प्रसाद के 13 ठिकानों पर छापे, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद। पंजाब के लुधियाना में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब के 1270 कार्टन जब्त, ट्रक में लाद कर लाई जा रही थी शराब। राजस्थान के उदयपुर में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत। डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए और करना होगा इंतजार, 26 जनवरी को भी नहीं होगा स्कीम का ऐलान। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर का कहर, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 दिनों से जारी बर्फबारी से हाल बेहाल, ट्रांसपोर्ट कारोबार पूरी तरह ठप।
बर्बारी ने कश्मीर घाटी में बढ़ाई लोगों की परेशानी, पटनी टॉप के कई घरों में पानी बिजली की सप्लाई बाधित। देश के दूसरे हिस्सों से टूटा कश्मीर घाटी का संपर्क, लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर हाईवे ठप। आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे, कटक पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत। पहले वनडे में दमदार जीत के बाद जोश में है टीम इंडिया। मैच से पहले केएल राहुल बोले, टीम के अंदर जगह बनाने के लिए अच्छी प्रतियोगिता। दूसरे वनडे में टीम में बदलाव के आसार, अश्विन की जगह अमित मिश्रा को मिल सकती है जगह, भुवनेश्वर की भी हो सकती है एंट्री। बाबा रामदेव की ओलंपिक मेडल विजेता से कुश्ती, सुशील कुमार को 2008 ओलंपिक में हराने वाले यूक्रेन के पहलवान को चैलेंज देकर लड़ी फाइट। मुंबई पहुंचे पूर्व लॉन टेनिस स्टार आंद्रे अगासी, कंपनी को प्रमोट करने के लिए भारत दौरा। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मुरानी पर रेप का आरोप, हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया केस, प्रवक्ता ने आरोपों को गलत बताया। अभिनेता अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी 2 की मेकिंग का वीडियो ट्विटर पर किया शेयर, वीडियो में गंगा में डुबकी लगाते दिखे अक्षय। जल्द सिनेमाघरों पर दस्तक देगी कमांडो 2, फिल्म का पोस्टर हुआ लॉन्च, दमदार किरदार में नजर आएंगे अभिनेता विद्युत जामवाल। संजय दत्त की कमबैक फिल्म में नजर आएंगे अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, फिल्म में निभाएंगी मुख्य भूमिका। फिल्म तुम्हारी शुरू में दिखेगा अभिनेत्री विद्या बालन का चुलबुला अंदाज, रेडियो जॉकी की भूमिका में आएंगी नजर। मैक्सिको में डिप्रेशन के शिकार छात्र ने स्कूल में की फायरिंग, 3 लोगों को गोली मारकर किया घायल, बाद में अपनी भी दी जान। इटली में 5.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दी दस्तक, 1 की मौत, स्कूल और कॉलेज बंद। टेक्सास के हॉस्टन इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, यातायात में आई दिक्कतें। दुनिया का सबसे उम्रदराज पांडा का 37वां जन्मदिन, चीन के फुजियांग प्रांत में जू प्रशासन ने तैयार की खास डिशेज़।